हजारीबाग बड़कागांव की सीमा पंचायत में जुलूस ए मोहम्मदिया निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर यह जुलूस निकाला गया। इस दौरान 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आकर एक की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। और हजारीबाग से हमारे सहयोगी फलक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फलक, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ और साथ ही कितने लोग घायल हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरा देश मना रहा है और उसी कड़ी में बड़कागांव में भी ईद मिलादुन्नबी को लेकर जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया था और इसी के तहत वहां के जो लोग हैं वो सिमरा गांव के वो मस्जिद के पास से सलाम पढ़ने के बाद यानी कि धार्मिक जो कार्यक्रम है वो करने के बाद बढ़ रहे थे। इसी दरमियान जो जुलूस है उसका बॉक्स जो है वो 11,000 तार में सटने के बाद यह हादसा हुआ है और ऑन द स्पॉट एक की मृत्यु हो जाती है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए जिसे रांची रिम्स रेफर किया गया और 2 लोगों का इलाज हजारीबाग एसबीएम केस में चल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले जो घायलों को लेकर रिम्स गए हैं सोनू राखी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि उसमें भी 2 लोग जो है वो काफी गंभीर उनकी स्थिति बनी हुई है जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। और फिलहाल आपको बता दें कि जैसे यह सूचना ये घटना घटी पूरा जो गाँव था वो कहीं ना कहीं जश्न के माहौल में था और ये पूरा जश्न का माहौल जो है वो मौत के बाद कहीं ना कहीं मातम में तब्दील हो गया। डिपल और पूरा जो गांव है वो दुख अपना प्रकट करने लगा। अस्पताल भी कई लोग पहुंचे उस गांव से, कई समाज सेवी पहुंचे, विधायक बड़कागांव अंबा प्रसाद भी मौके पर पहुंची। साथ में देखा गया कि जो रिम्स रेफर किया जा रहा था घायलों को तो स्वयं अंबा प्रसाद विधायक बड़कागांव लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाते हुए दिखी। तो कहीं ना कहीं एक दुखद खबर हजारीबाग में आज का दिन रहा है। जी डिम्पल। जी साथ ही फलक, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे वारदात पर? देखिए डिपल, हजारीबाग मुख्यालय से करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर बड़कागांव का यह इलाका है। और देखिए इसके साथ ही मैं आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो वहाँ के समाजसेवी सोनू राखी, उन्होंने बताया है कि 11,000 का जो तार था वो करीबन 13 से 15 फीट की ऊंचाई में था और जैसा कि वहां के ग्रामीणों ने बताया कि वो जो हाइट था वो काफी कम था, इस वजह से कई बार लिखित शिकायत भी दी गई थी इसे लेकर, लेकिन अब तक उसे नहीं हटाया गया और इस वजह से लोगों का कहना है कि यह घटना घटी है। डिम्पल जी, शुक्रिया फलक तमाम जानकारी के लिए। ये बेहद दुखद बात कि एक जुलूस चल रहा था और उसके दौरान ही एक ऐसा हादसा होता है और जो घायल लोग हैं उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया, साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।